Hello, we are going to discuss the worst of staying somewhere, and the worst places where we often go for our test, to have something, to drink something, to consume something. Okay, and the first word is pub. What is this? I think you might have heard about this. PUBG in films, I think. So a shop. What is this? This is a shop that serves alcoholic drinks. एक ऐसा दुकान जहाँ पे alcoholic drinks, wine, शराबे, यानी कि beers वगैरह भी मिलती हैं. और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कंज्यूम करने की व्यवस्था होती है, मतलब वहाँ पे आप खरीद के यूज़ कर सकते हो, और लाइसेंस्ड वे में, मतलब लाइसेंस भी मिली होती है उस दुकान को गवर्नमेंट के थ्रू, आपको डर भी नहीं है. तो दिस इज़ अ प्लेस और शॉप वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर सर्व एंड यू हैव बीन गिवन एन अरेंजमेंट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल. अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए अरेंजमेंट दी जाती है, व्यवस्था दी जाती है बैठने की, ठीक है, और लाइसेंस्ड होता है. ओके, आगे बढ़ते. मोटल. मोटल क्या होता है? मोटल इज इक्वल टू होटल प्लस गैराज, ठीक है. तो गैराज क्या है? गैरेज भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में गैराज, ठीक है. तो होटल, होटल को होटल भी बोल सकते हैं, ठीक. तो मोटल क्या है? होटल प्लस गैराज. तो होटल क्या है? जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो, ठीक है, जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था हो, लॉजिंग फूडिंग की, ठीक है. तो दैट प्रोवाइड्स लॉजिंग और फूडिंग. गैराज क्या है? मतलब गाड़ी वगैरह बनवाना, गैराज, गैरेज, ठीक है. तो व्हीकल रिपेयरिंग शॉप. तो ऐसा होटल, मतलब मोटल मीन्स होता है ऐसा जगह जहाँ पे होटल हो और आप गाड़ी बनवा लें, अपना खा पी भी लें और आराम भी कर लें, और आपकी गाड़ी ख़राब है तो बनवा भी लें. तो दोनों फैसिलिटीज़ जिस जगह पे दिया जाता है उस जगह को, उस प्लेस को, उस बिल्डिंग को, उस हाउस को मोटल बोलते हैं. ओके, ईटरी, और इसको ईटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है. इसका हिंदी होता है भोजनालय. अपने फ्रेंड्स के बीच आपने कभी डिस्कस किया होगा, अरे यार मतलब छोटा सा होटल है, मतलब झोपड़ी वाला होटल है, क्या जाओगे, या एक रूम का होटल है, एक दो रूम का, क्या जाओगे, अच्छा नहीं है, ठीक है. और फिर बोलेगा नहीं चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो नहीं, उतना पैसा भी नहीं है. तो इनके बीच का जो आप ढूंढते हो, होटल बोल लें या कुछ भी बोल लें, बीच का ढूंढ रहते हो ताकि आप खा पी सको अच्छे से, जाके आराम कर सको. तो उसी, ठीक है, उसी टाइप के खाने की व्यवस्था को या उसी टाइप के बिल्डिंग को हम लोग ईडरी बोल सकते हैं इंडिया लेवल पे, छोटे छोटे शहरों के लेवल पे, ठीक. लेकिन ईडरी का मतलब ऐसा ही नहीं है. अगर फॉरेन लेवल पे देखा जाए तो ये रेस्टोरेंट ही होता है एक तरह का. सब चीज़ की व्यवस्था होती है खाने पीने की, अच्छा, लेकिन रेस्टोरेंट में अलग अलग टाइप के किचन बने होते हैं, अलग अलग टाइप के खाने के आपको प्रकार मिलेंगे, ठीक. तो ईडरी, जब आप कभी कंफ्यूजन में हो कि क्या बोला जाए, होटल बोला जाए या रेस्टोरेंट बोला जाए, तो आप ईटरी बोल सकते हो, यानी जहाँ पे अच्छा से खा पी सको, आराम से बैठ के टेबल वगैरह लगा हो, खाने की व्यवस्था हो, ड्रिंक्स वगैरह मिल जाए कुछ, ठीक है, कोका वगैरह. तो आई होप आपको समझ में आया हो. चलो, एंड ईटिंग हाउस, इसीलिए मैंने इसको ईटिंग हाउस लिखा. ये कैफे लाइक कैफे की तरह होता है, रेस्टोरेंट लाइक रेस्टोरेंट की तरह होता है. अ कॉर्नर और इंस्टॉल शॉप दैट सर्व्स प्रिपेयर और कुक्ड फूड इन अ मॉल. मॉल में देखोगे बड़ा सा एरिया में खाने पीने की व्यवस्था रहता है, आप जाके खड़े खड़े भी टोकन लेके खा सकते हो और जाके बैठ के भी खा सकते हो, ठीक है. तो वो रेस्टोरेंट नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ खाना है और छोटे लेवल पे ही होता है. तो आप बोल सकते हो चलो ना उस ईटरी पे कुछ जा करके लेते हैं, वहाँ से कुछ खाते हैं. तो आपका फ्रेंड बोल सकता है कि नहीं नहीं कुछ खास नहीं है, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं. तो अब आपके दिमाग में ब्लिंक किया होगा कि कब ईटरी बोलना है और कब रेस्टोरेंट बोलना है और कब होटल बोलना है. डोंट मेस अप विद मी, मुझसे पंगा ना लो. लेकिन यहाँ भी इस मेस का मतलब अलग है. इस मेस का मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे आपके लिए खाना तैयार होता है, लंच तैयार होता है, आपके लिए टिफ़िन करके भेजा जाता हो, या आप जाते हो और टिफ़िन लेकर घर पे अपने रूम में ले जाते हो और खाते हो, ठीक है. तो ये एक ऐसा प्लेस है, समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर मील्स आर प्रिपेयर टू सर्व टू द रजिस्टर एनरोल, ठीक है, बॉयज गर्ल्स एंड द पीपल. ऐसे लोग जो रजिस्टर करवा चुके हैं उनको महीना में पैसा देना पड़ता है, हर महीने, ठीक है, मंथली चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल बॉय गर्ल्स हॉस्टल वगैरह. एंड दिस इज स्पेशली फॉर द आर्म फोर्स आवर सोल्जर्स, क्योंकि उनके लिए मेस होती हैं, और वहाँ पे वो परेड के बाद या एक टाइमिंग उनका होता है कि उस टाइम जाके अपना टिफिन ले लो या जाके वहाँ पे खा लो बैठ के, ठीक है, जिसको भोजनालय भी बोलते हैं. और आपने कभी देखा होगा ये IAS IPS के लिए भी एक अलग से बिल्डिंग बनी होती है मेस नाम से, जहाँ पर उनके लिए अच्छे से खाना तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसे भी मेस बोला जाता है. तो आपको समझ में आया होगा कि मेस मीन्स क्या होता है.
नाउ दिस इज द लास्ट वर्ड कैफे. व्हाट इज कैफे? बड़े प्यार से इसको कॉफी हाउस बोलते हैं, जहाँ पे कॉफ़ी और चाय सर्व किया जाता है. जाओ आराम से मज़े से चाय और कॉफ़ी का आनंद लो. और कभी कभी नमकीन भी दिए जाते हैं, यहाँ पे नमकीन की व्यवस्था होती है. आई मीन टू से दिस इज़ द लाइट फूड. ठीक है, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, बिस्किट वगैरह. ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक सेल्फ सर्व शॉप होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरी इस पर होता है ज़्यादा. मतलब कि आप देखोगे कि एक छोटा सा कॉर्नर होगा, इंस्टॉलेशन होगा, और वहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी सर्व करता है, और बहुत हुआ तो एक इम्प्लॉय रहता है. ठीक है, तो व्हाट इज कैफे? सेल्फ ओन शॉप वेयर वी कैन हैव टी, कॉफ़ी और लाइट आइटम्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.